नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल जन्मदिवस था। उस जन्मदिवस को 17 सितंबर को सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इसी सेवा दिवस पर देश भर में अलग अलग कार्यक्रम हुए और कई जगह पर हजारों यूनिट ब्लड डोनेट की गई। इसी कड़ी में जैन धर्म की एक संस्था तेरा पंथ युवक परिषद द्वारा नालासोपारा और विरार के अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए गए और उसमें करीब करीब 1000 से ज्यादा यूनिट ब्लड का कलेक्शन किया गया। सिर्फ नालासोपारा में ही 435 से ज्यादा यूनिट का कलेक्शन हुआ, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछले साल भी इसी तरह का कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया था तेरा पंथ युवक परिषद ने, जहां 300 के आसपास 300-350 के आसपास ब्लड यूनिट कलेक्ट हुआ था। उसकी जगह इस साल 435, उससे कहीं ज्यादा ब्लड यूनिट कलेक्ट हुआ है। विरार में भी करीब करीब 400 के आसपास ब्लड यूनिट लोगों ने ब्लड डोनेट किया और इस तरह से इस कार्यक्रम को काफी सफल बनाया। कहा जाता है कि रक्तदान महादान है, तो उसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में तेरा पंथ युवक परिषद के इस कार्यक्रम में इनको सहयोग करने भाजपा के जिलाध्यक्ष राजन नाइक पहुंचे थे। वहीं अलग अलग और पार्टी के शिवसेना के पंकज देशमुख, जिलाध्यक्ष पंकज देशमुख आए थे। बहुजन विकास आघाड़ी के नीलेश देशमुख वो भी पहुंचे। इस तरह से अलग अलग लोगों ने इसमें शिरकत की। सब धर्म और सब समाज के लोगों ने इसमें ब्लड डोनेशन किया। काफी सफल ये कार्यक्रम कल आयोजित हुआ। अब देखिए आइए तस्वीरों में और वीडियो में इस कार्यक्रम की झलकियां। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। ये हमारे बसिंदा शहर में जो हमारे तमाम तेरा पंथ समाज में, हमारे तमाम जैन समाज हमेशा ही शहर में उनका योगदान रहा है और हमारे हमेशा सामाजिक काम में हमेशा ये पूरे आगे रहते हैं। बहुत सारे लोग इनमें से व्यापारी हैं और व्यापार के साथ साथ समाज के भले के लिए लोग काम करके आ रहे हैं और हमेशा ही जो प्रगति में इनका योगदान रहा है उसी को आगे लेके चलते इन्होंने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। तो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत हमारे नालासोपारा वासियों की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और आपके साथ और सहकार्य के सिवा इस युवा का विकास सत्य है। हमेशा ऐसे ही सामाजिक काम तेरा पंथ समाज के लोग हमेशा करते रहेंगे और हमारे बसई विचार को आगे लेके जाने का काम करेंगे। इनके ऐसे सामाजिक काम को मैं बहुजन विकास आघाड़ी की तरफ से, हमारे लोक जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है और हमेशा वो आगे रहे, अच्छे काम करे, इसलिए उनको शुरू करता हूँ। जय हिंद, जय महाराज। ये आपका ही मार्गदर्शन है, ये आपका ही सुझाव है, ये आपका ही प्रोत्साहन है और समाज की तरफ से जो आयोजन रखा गया हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, ये तो इतिहास बनेगा। इतिहास युवक परिषद द्वारा आयोजित मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव आज हमने नालासोपारा में लगभग 3 कैंप का आयोजन किया है और 3 कैंप का आयोजन एकदम सुचारू रूप से चल रहा है और लगभग हम हमारे टारगेट के करीब पहुंच रहे हैं। लगभग 300 यूनिट हमने अभी तक के टाइम तक के हिसाब से कर ली है और आगे भी हमारा टारगेट अभी बढ़ा है। तो हम पूरी सभी मेम्बर्स और सभी यहाँ पर आए, सब सपोर्ट कर रहे हैं और सबका और सपोर्ट चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें टारगेट अचीव करना है। जय जिनेन्द्र। ये नालासोपारा में गणपति मंदिर में कैंप हो रहा है हमारा। आज ये तीसरा कैंप है, एक कैंप ईस्ट में है, टिकट विंडो पे है, एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे है और एक गणपति मंदिर में है। सब मिला के करीबन 245 से 250 बोतल का हमारा अभी तक का हो गया है। हमारा टारगेट 500 से 600 बोतल का है। शाम को 7 बजे तक करने का हमने लक्ष्य रखा है, लगभग हम लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। और अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद जो 354 शाखाएं हैं पूरे भारतवर्ष में, हम लोग एक विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आने वाला है। 2014 में भी हमने 1,00,000 बोतल का रिकॉर्ड किया था, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम है। वो रिकॉर्ड आज तक कोई संस्था तोड़ नहीं पाई है। वो रिकॉर्ड हमारा ही रिकॉर्ड हम ही तोड़ने वाले हैं। और ये सब सहयोग, आप लोगों के सहयोग जो हुजूम देखे पड़ रहा है, ये जो लाइन लग रही है, कतारें लग रही है, ये मुझे लगता है मेरा जो
पक्ष 500 बोटलों का है उसे लगता है मुझे इसे बहुत कुछ आगे जाने वाला है। कोरोना काल में जो रक्त की सबको जरूरत पड़ी, रक्त की महत्ता को सबने समझा, रक्त कोई फैक्ट्री में बनता नहीं है, रक्त एक मानव ही दूसरे मानव को दे सकता है, रक्त की कोई फैक्ट्री नहीं है, रक्त सबको लगता है, रक्त हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो या ईसाई हो सब धर्म को लगता है, रक्त सभी का एक दूसरे को काम आ सकता है। तो मैं जन जन से आह्वान करता हूँ और ये तेरापंथ युवक परिषद नाला सुपार का अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों से आह्वान करता हूँ कि आइए पधारिए और इस कैंप में जो मानव सेवा का अमूल्य काम करने जा रहे हैं उसमें आप सहयोग दीजिए, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना संभव नहीं। और प्रवासी हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।